आज के दौर पर मोबाइल यूजर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन एक चीज़ आपने भी जानी होगी कि किसी भी चीज़ को एक लिमिट के बाद उसकी सीमा ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर सिम में एक कोना क्यों कटा होता है, उसके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, शुरू शुरू में मोबाइल का आविष्कार हुआ था जब उस समय सिम का प्रयोग एक चिप की तरह ही होता था, यानी कि सिम को मोबाइल से नहीं निकाला जा सकता था। इसके बाद जब रिलायंस ने शुरुआत में मोबाइल पेश किया गया, तब भी आप मोबाइल से सिम को नहीं निकाल सकते थे। उस समय रिलायंस का ये फ़ोन काफ़ी चला था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मोबाइल की ज़रूरत बढ़ती गई, उसके हिसाब से परिवर्तन की गई, फिर इसी समय आया हम मोबाइल नहीं चलाने पर सिम को निकाल कर आपस एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से ढालकर दूसरे मोबाइल मोबाइल उस सिम के जरिए चला सकते हैं, यानी कि सिम का प्रयोग दूसरे मोबाइल में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय ये दिक्कत भी थी कि उस समय सिम का आकार चौकोर हुआ करता था। सिम की इस चौकोर आकार की वजह से कई परेशानी सामने आई। उससे ये पता नहीं चला जाता था कि सिम की सही स्थिति में लगा है या नहीं। इसके अलावा कई बार सिम के उल्टी लगाने की भी समस्या रहती थी। इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए सिम कार्ड के लिए एक कोने को काट दिया गया। इसके डिज़ाइन की कई समस्याओं का हल कर दिया गया और इस प्रकार सभी सिम कटा आने लगा और लोगों के लिए सिम को मोबाइल में लगाना काफ़ी आसान हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सिम को एक साइड से क्यों काटा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। अगर आपका भी कोई डाउट हो सिम के बारे में तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।